ये पानी देख के तो मन तृप्त तृप्त हो गया। काफी सुंदर दृश्य है। फिर से कोविड रिटर्न आ गया है। ये नेहरू बाल कीरतपुरी का भी मैंने ब्लॉग बना रखा है। तो रायपुर यहाँ से ये है सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब इधर आ गया मैंने तो पता ही नहीं चलता कि सब्जी मंडी किधर है। तो टिकली फुंदरी बैग बच्चे चौपाटी जैसा बना हुआ है। इधर भी प्यारा सा चौक है। गाइस वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे को फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो मैं अक्सर इंट्रो बनाना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं घर पे इंट्रो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं गया हुआ था सिरी नारायण, और आप लोगों को मैं व्लॉग के थ्रू पूरा सिरी नारायण घूमकर दिखलाने वाला हूँ कि सिरी नारायण सिटी अपना कैसा दिखता है। एक थिंकिंग बैठी होती ना, जैसे कि अब मैं गोवा कभी गया नहीं हूँ, तो एक थिंकिंग है कि भाई गोवा सिटी कैसा दिखता होगा, अपन कभी गए नहीं तो ये सब आइल के थ्रू ही देख पाते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको घर बैठे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आप लोगों को मैं दिखला पाऊँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सिरी नारायण सिटी। गाइस तो सामने लिखा हुआ है सिरी नारायण 2 किलोमीटर, बिलासपुर है 64 किलोमीटर, रायगढ़ है सीधा 105 किलोमीटर। यहाँ से चालू हो जाता है हल्का फुल्का मार्केट एरिया। ये देखिए पेट्रोल पंप है, मैकेनिक की दुकान है, चाय नाश्ता केंद्र, काफी कुछ दुकानें हैं सब्जी भाजी से रिलेटेड। तो अभी मेन सिरी नारायण 2 किलोमीटर है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से मार्केट देखने को मिलेगा। ये मेरा सेकेंड बार है जो मैं सिरी नारायण आया हूँ। मेला का वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था, तो मेला का वीडियो बनाकर मैं चले गया था। सिटी का मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, तो आज आया, लोगों का डिमांड था। वैसे रायगढ़ का भी काफी कुछ डिमांड था, लेकिन रायगढ़ देखते हैं। यहाँ से 105 किलोमीटर है, टाइम रहा तो अपन निकल जाएंगे। ये बजाज के शोरूम है। जांजगीर 46 किलोमीटर, पंकज ऑटो सेंटर। अब यहाँ से अपने को पुलिया क्रॉस करना पड़ेगा। वाह क्या बात है भाई, इतना बड़ा शोरूम कपड़े का, वो भी होंडा का शोरूम है। महानदी, अरे भाई महानदी में तो लबालब पानी भरा हुआ है भाई, क्या बात है। ये पानी देख के तो मन तृप्त तृप्त हो गया। काफी सुंदर दृश्य है। अच्छी जगह है भाई ये सिरी नारायण। और साल में यहाँ मेला होता है फरवरी के दिन। पता नहीं इस बार मेला हो पाएगा कि नहीं, पिछले साल तो हुआ था, इस बार का हमें भी कोई आइडिया नहीं है, वक्त ही बताएगा। अभी तो टाइम है अपने पास में, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेला लगेगा तो अपन आएंगे मेला का व्लॉग बनाने के लिए। वो जो घाट जैसे बना हुआ है वहाँ पे लोग नहाना धोना कर रहे हैं। सही है, इधर भी लोग नहा रहे हैं। तो आज पूरा भ्रमण करेंगे सिरी नारायण, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा, और अपने नज़रिए से आप लोगों को भी अपन दिखलाने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा ये शहर है। यहीं से मैं गया था किनारे किनारे मेला के लिए। पहले मैं आगे चलता हूँ, आगे का एरिया देख लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन रिटर्न लेंगे। इधर क्या बना हुआ है, मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, और ये बैठने के लिए अच्छा बना दिया है। सही है भाई, तहसील कार्यालय है। तो ये है तहसील कार्यालय, विनोद सेंटर, सिरी नारायण। यहाँ पे 1600 शौचालय दे दिए है। अच्छा ये बिलासपुर मार्ग है, ट्रक ही ट्रक है भाई। इधर तो इधर बस्ती लग रहा है, पहले उधर ही चलते हैं। रिटर्न ले लेंगे, एक रोल। तो यहाँ पे पूरी बस्ती है। अरे वाह सुंदर सा घर बना है। अच्छा यहाँ पे सब्जी मंडी है, ये देखिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं सब्जी भाजी लेकर, और यहीं से खरीदते हैं, समझ लो जैसे अपने आकाश गंगा में है ना सब्जी मंडी, वैसी ये भी है। आगे और बढ़ते हैं, गांव वाले लोग सब रह रहे हैं। तो जो मैं घाट आप लोगों को दिखला रहा था ना, ये देखो महानदी बैराज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपन जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, बैराज को देखने के लिए। तो मैं तो नहीं जाऊँगा, इधर पता नहीं क्या बन रहा, तो अपन रिटर्न लेते हैं। अभी तो शुरुआत हो रहा है भाई सिरी नारायण, फर्स्ट टाइम है, अपने को भी पता नहीं है कहाँ पर क्या है। और यहाँ पर पूरा बोर्ड मेंशन है,
रायगढ़ अभी व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे रायगढ़ सिटी दिखलाइए करके और रायगढ़ के आसपास के जितने भी क्षेत्र है उस पर व्लॉग बनाइए करके। बनाता हूँ मैं प्लानिंग, लेकिन क्या है कभी कभी वो फेल हो जाता है प्लानिंग। और ये देख ही रहे हैं आप कि अभी कोविड का समय चल रहा है, फिर से कोविड रिटर्न आ गया। ये नेहरू बाल उद्यान है यहाँ का, ये तो खैर ओपन है और यहाँ पे गुपचुप मिल जा रहे हैं भाई साहब। ये कौन सा ड्रेस है भाई, बच्चे टाइप का दिख रहा पूरा कपड़े। सॉफ्ट बाइक सॉफ्ट, प्रधान कलेक्शन, चश्मा घर, बंधन बैंक। ये देखिए मेरी नज़रिए से, अरे भाई साहब बड़े बड़े दुकान बनेंगे आगे चलकर। कबीर, श्री राम सेल्स। गाइस तो मैं यहाँ से राइट लेता हूँ, इधर कैरियर पहले देखते हैं फिर इधर मुड़ जाएंगे। तो इधर वही फोटोकॉपी और मैकेनिक के शॉप हैं, अगर आपकी बाइक वगैरह ख़राब होती है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। नंबर प्लेट भी मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ। वर्षा, तो मेरा मकसद यही होता है गाइस कि आप लोगों को मैं जब सिटी का व्लॉग बनाता हूँ ना तो पूरी जानकारी दे पाऊँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ कुछ जगह मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर है काली मंदिर लिखा हुआ है, केरा, जांजगीर। अच्छा ये वाली रूट जांजगीर लेके जाती है, जांजगीर यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो जांजगीर का भी व्लॉग बनाएंगे अपन, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं फिर रिटर्न लेंगे, सिटी पीछे रह गया है। तो इधर सब डेवलप हो रहा है, दुकानदारी सब बन रहे हैं इस साइड में और घर भी अच्छे खासे बड़े बड़े बन रहे हैं। ये देखो आने वाले समय में काफ़ी कुछ डेवलप हो जाएगा ये एरिया जो खाली खाली नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं, अपने को तो जांजगीर जाना है नहीं, मेन सिटी दिखलाते हैं आप लोगों को। श्री नारायण बैराज में आपका स्वागत है। बलौदा बाज़ार जो चौक से अपन राइट लिए थे उस चौक से अपन अब सीधा सीधा चलेंगे लेफ्ट की ओर। एटीएम चालू है, रुक जा रे बिगड़ू, रुक जा रे काका रुक जा। कीरतपुरी का भी मैंने व्लॉग बना रखा है। तो रायपुर यहाँ से 129 किलोमीटर है और यह है श्री नारायण का मेन मार्केट एरिया। देख लीजिए गुरु कृपा टेंडर्स और बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही करके अच्छे से दिखला भी नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो इतने बड़े बड़े दुकानें हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्योंकि मैं आया था ना मेले का वीडियो बनाकर मैं चले गया था, ढंग से देख नहीं पाया था उस समय। अभी देख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। देवांगन मोबाइल, देवांगन भाई ने खोला है मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर की दुकान है इस साइड। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सारे बड़े बड़े सिटी है, धीरे धीरे डेवलप भी हो रहे हैं। अब इधर का बस स्टैंड किधर है वो देखना है भाई साहब। और इधर क्या है भाई, बेहद खूबसूरत सा चौक बना हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है। इधर एक बार जाकर देखता हूँ मैं। ये देखो ठाकुर देव चौक करके लिखा हुआ है और यहाँ पे लोग गुपचुप खा रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। ये बस्ती के लिए लेके जाएगी लग रहा है, चलो थोड़ा आगे बढ़कर देख ही लेते हैं जब घुस गए तो। रोड सही नहीं है, बंधन बैंक, जय श्याम भवन, होटल है, भवन भवन है तो जाहिर सी बात है शादी विवाह के लिए है। अरे वाह इस साइड भी मार्केट एरिया नज़र आ रहे हैं भाई साहब। ये है सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। अभी स्कूल वगैरह भी बंद हुए नहीं है, केस अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे फिर स्कूल वगैरह भी बंद कर देंगे। पतंजलि,
अंदर में भी मार्केट एरिया भाई, ये देखो। और ये भाई साहब क्या करना चाहते हैं, पैरा लेके जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे किराए में दिए हुए हैं, इतना सुंदर सा घर बनाकर किराए में भी आप लोगों को मिल जाएंगे इस तरह से रूम वगैरह। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं जॉब के सिलसिले में, जॉब करने के लिए, तो उनको किराए का रूम अच्छा खासा मिल जाए, सस्ते सुंदर टिकाऊ, तो और क्या चाहिए। घर भी ठीक ठाक है, पता नहीं है VIP कॉलोनी है कि नहीं है यहाँ पे। ये देखो घोड़ा, तो आगे में तो बस्ती ही बस्ती नज़र आ रही है। तो रिटर्न लेता हूँ मैं यहाँ से, शुभम साइकिल स्टोर नाम ही काफ़ी है, तो यहीं से अपन रिटर्न लेते हैं। आगे फ्लैट वगैरह बन रहा है 1 BHK 2 BHK इस तरह से। भिलाई से 200 किलोमीटर आना, फिर 200 किलोमीटर वापस जाना, भाई हालत ख़राब हो जाता है। तो जितने भी वीडियो बन पाते हैं उतना मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं सवेरे से निकल जाता हूं। सुबह से मैं निकला था 6:30 बजे से निकला था। यहां चौक का निर्माण हो रहा है, उधर भी चलेंगे, पहले इधर के एरिया देख लेते हैं, महेश मेडिकल स्टोर। और इधर भी फुटपाथ पर दुकान लगा हुआ है कपड़े लगते का। अरे भाई आलिशान श्री श्याम कलेक्शन, काफ़ी सुंदर सा ये शोरूम खोला हुआ है कपड़े लगते का। इधर फलूदा मिल जा रहे हैं, मकान किराया से देना है, देख लीजिए भाई मकान भी मिल जाएंगे आप लोगों को, अनिल मेडिकल। तो गाइस पहले इधर चलते हैं फिर अपन इधर चलेंगे। इधर भी बनाएगा बड़ा बड़ा दुकान, देख लीजिए। अब यहाँ का मेन मार्केट देखते हैं किधर है भाई साहब। वैसे तो रोड किनारे में पूरी मार्केट ही लगी हुई है, जैसे कि हर बड़े सिटियों में हुआ करता है। गौरव किसी केंद्र, बीज भंडार, डेल, अजय बुक डिपो, और यहाँ भी टोकनी मिल जा रहे हैं भाई साहब, बीज भंडार, ये देखो ब्लैंकेट। तो मेन मार्केट यही लग रहा है, चलो इधर घुसकर देखते हैं। समोसा निकल रहा है गर्मा गर्म, वाह जलेबी, कितने भाई बहन को जलेबी पसंद है। अच्छा इधर सब्ज़ी मंडी लगा हुआ है, क्या बात है भाई। अच्छा इधर आ गया, मैंने तो पता ही नहीं चलता कि सब्ज़ी मंडी किधर है। तो मेन मार्केट यही है भाई, देख लीजिए श्री नारायण का मेन मार्केट। और यहीं आसपास में लगता है मेला वगैरह भी, तो मेला लगेगा ना तो आएंगे अपन व्लॉग बनाने के लिए। टुकड़ी हाड़ू सूपा पर्रा सब मिल जा रहे हैं, सामने में है मंदिर, वो एरिया अपन आते समय देखेंगे। अब यहाँ से मैं रिटर्न, बाबा मन हागा। और इधर तो फिलहाल बस्ती लग रहा है, 1, 2, 3 ये क्या है। हाँ तो इधर बस्ती है, तो यहाँ से रिटर्न लेते हैं। अच्छा थाना, इधर थाना श्री नारायण करके लिखा हुआ है। इधर भी हल्का फुल्का मार्केट है, अब इधर चलते हैं भाई। अच्छा अंदर अंदर भाई देखो कितना बड़ा सा मार्केट है इधर, चूड़ी कंगन राशन, ये है ज्वेलर की दुकान, टिकली फुंदरी बैग,
बच्चों लोगों के लिए कपड़े। ऐसा लग रहा अपना पावर हाउस है ना भिलाई का, वासी मार्केट लगा हुआ है अंदर ही अंदर। जूते चप्पल ये देखो, बेल्ट वगैरह, वाह क्या बात है। सब मुझे ही देख रहे हैं भाई, कर क्या रहा है लड़का। अब इस तरह से आप लोगों को अंदर अंदर घुसकर कोई नहीं दिखाने वाला गाइस, जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा रहा हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे बस स्टैंड किधर है, होटल किधर है। मार्केट का तो खैर अपने को पता चल ही गया। अच्छा है, मस्त, धूप तो मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। आगे में भी दुकान ही दुकान नज़र आ रहे हैं, ये देखो। इस तरह से चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है गाइस, हर एक चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे चाय मिल जा रहा है, इधर भी मार्केट है, ये देखो इधर भी वही मार्केट है, इधर भी फ्री मार्केट है। सामने में है मंदिर, और आसपास के क्षेत्र में अगर घूमने लायक जगह हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ। संकट मोचन हनुमान मंदिर है ये। बाकी आगे में तो ख़त्म है पूरा मार्केट, फिर से अपन को रिटर्न जाना पड़ेगा। इधर भी मंदिर है, एक नज़र देख लेते हैं ये कौन सा मंदिर है भाई। अच्छा यहाँ पर लगता है क्या मेला, मुझे तो ये डाउट हो रहा है, यहीं आसपास में लगता होगा मेला। यहाँ पे प्राचीन प्राचीन मंदिर है, और ये ग्राउंड है ये देखिए, और इधर भी कुछ काम चल ही रहे हैं, और उधर है, चलकर देखते हैं उधर क्या है। मेरे ख्याल से जो महानदी को अपन देख रहे थे ना, वही होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। शिवरी नारायण नगर पंचायत, शिवरी नारायण करके लिखा हुआ है। अच्छा ये चौपाटी जैसा बना हुआ है इधर, सही है भाई, वही बोला ना महानदी देखने को मिलेगा इधर, तो देख लीजिए महानदी। तो रिटर्न लेते हैं तो अच्छा बन गया, मरीन ड्राइव जैसे समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी लोग खेलते हैं। गैस तो वहाँ पे हमने चाय पी लिया है, चाय अच्छी थी लेकिन मीठा ज़्यादा हो गया था। अब ये सब मार्केट आप लोगों को तो मैं दिखलाते हुए आया हूँ, अब आगे का एरिया देखते हैं। अच्छी बड़ी सी मार्केट है ये भी, पतली सी सड़कें हैं। अच्छी बात यह है कि सीमेंट का रूट बना हुआ है, ख़राब रूट होता तो दिक्कत हो जाता। और इसमें भी भाई साहब ने कार घुसा रखे हैं, और कार वालों की वजह से ही तो पूरा जाम लगता है। तो ये वाली रूट से मैं अंदर गया था, सामने का एरिया दिखा दिया, राइट वाला एरिया दिखा दिया आप लोगों को। अब यहाँ से अपन निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कृषि ये वाला भी दिखा दिया आप लोगों को, फर्स्ट टाइम जब देखो तो समझ में नहीं आता किधर किधर जाना है अपने को, कहाँ पर क्या है। अब देखो इस बार मैं घूम रहा हूँ ना, तो अगली बार के लिए मुझे हर एक चीज़ याद रहेगा। अरे वाह क्या सुंदर सा ये दुकान बना हुआ है, लक्ष्मी वस्त्रालय। अच्छा है, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे दुकानें बने हुए हैं, कुछ दुकानें बन रहे हैं, और इधर भी मार्केट लगी हुई है। मोर आगे का पढ़ नहीं पाया ढंग से, बॉम्बे फर्नीचर। तो इसके अंदर में पूरी मार्केट है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संजय ये क्या है भाई, संजय
इलेक्ट्रॉनिक्स आकाश। शंकर वस्त्रालय भाई साहब, आप देखिए कितनी बड़ी सिटी है ये वाला सब। कब पता नहीं उस बार आया था तो देख नहीं पाया था मैं किधर। उधर से महानदी था ना, वहाँ से मैं बता रहा था ना, यहाँ से गया था करके, वहीं से मैं चले गया था। इधर तो मैं आया ही नहीं था मैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल पाया था कितना बड़ा ये सिटी है। इधर भी प्यारा सा चौक है। चलो अपन इधर चलते हैं, गोल्डन सू हाउस। देखो इतना बड़ा सा दुकान खोल दिया भाई, और भैया हम ही देख रहे हैं, गरिमा मेडिकोस। भाई साहब इधर मैकेनिक के शॉप है संतोष, और एक चीज़ अवेलेबल है भाई यहाँ भी, नीरज मनीष। नाम बताते जा रहा हूँ आप लोगों को मैं। अच्छा ये वाला एरिया में आया था मैं, ये है टीवीएस शोरूम। यहाँ पर नाश्ता किया था, ये देखो यहाँ पे भोजन भी मिल जाएंगे, नाश्ता भी मिल जाएंगे। आते समय वो वाला एरिया देखेंगे, अभी इधर का एरिया चलते हैं देखते हुए। बिरयानी सेंटर इस साइड, इधर रेस्टोरेंट है, हीरो के शोरूम है, ट्रैक्टर के हैं, महिंद्रा के हैं। और ये क्या है भाई, ये देखो डीजे वीजे बिक जा रहे हैं यहाँ पे। सुलभ संस्कृति भवन, यह है बस स्टैंड। वाह कितना छोटा सा बस स्टैंड है, और यहीं पे लगता है गाइस मेला। ये फुटपाथ पे दुकान लगाए हुए हैं कपड़े लगते का, और यहाँ पे प्यारा सा मंदिर है, बरगद के पेड़ हैं। तो यहीं पे लगता है पूरा मेला, इधर ही आया था मैं मेला का ब्लॉग बनाने के लिए। हसदेव बांगो, इधर भी हसदेव बांगो है, क्या बात है। ये क्या है भाई, श्री महंत लाल दास शिक्षा विद्यालय। तो शिक्षा महाविद्यालय है ये श्री नारायण का। चलो आगे बढ़ते हैं, शीतला देवी। गाइस तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखो पूरा घूम घूम कर आप लोगों को मैं श्री नारायण दिखला रहा हूँ। अगर कुछ छूटा रह गया तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक बिक जा रहे हैं, वो देखो वहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे होंडा का शोरूम है, श्री राम ऑटोमोबाइल्स, जियो डिजिटल। जियो का भाई हर जगह सिग्नल मिलता है, आइडिया और एयरटेल तो फेल हो जाते हैं। फर्नीचर की दुकान है, होटल अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ। बस स्टैंड तो आप लोगों को मैंने दिखला ही दिया है। आगे और बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप नज़र आ रहे हैं, और आगे में एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है। इधर पूरा खाली मैदान है, आने वाले समय में ये जो खाली मैदान आपको नज़र आ रहे थे वो भी दुकान से भर जाएंगे, लगातार दुकान बनी रहे हैं। ये बजाज के शोरूम है, विवेक ऑटो 220 खड़ी है। ये देखो HP का पेट्रोल पंप, और यहाँ पे बर्तन हर्ष स्टील सेंटर करके लिखा हुआ है। आगे बोर्ड में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न ले लेंगे अपन, और जो छूटा रह गया वो देखेंगे। अच्छा यहाँ पे दो दो पेट्रोल पंप है, क्या बात है। बिलासपुर है 65, जांजगीर है 57, अकलतरा है 40। तो यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं। बिरयानी भोजन सब मिल जाएंगे।
इधर का एरिया लगे, हाँ देख ही लेते हैं। उधर भी चाउमीन बिक जा रहा है। ये क्या है, घर बन रहे हैं। वाह, इधर बैंक है। आजकल तो भाई इतने सारे बैंक हो गए ना, समझ में नहीं आता। ये खूबसूरत सा घर देखने को मिला है इधर। ये देखो तैयारी चल रही है दुकान का, तो तेजी से डेवलप हो रहा है सूर्य नारायण गणपति। आगे में बस्ती नजर आ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है हर एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखला ही दिया है। यहाँ पर भी एक थिएटर है, पता नहीं वो थिएटर किधर है। आगे में एक भवन करके नज़र आ रहे हैं, हॉस्पिटल भी नज़र नहीं आए हैं। अच्छा ये तो है हॉस्पिटल, विनायक हॉस्पिटल करके लिखा हुआ यहाँ पे। अच्छा बड़ा सा हॉस्पिटल है, 24 घंटे उपलब्ध। तो उधर तो ज़्यादा कुछ था नहीं, इधर के एरिया भी अपन देख लिए हैं। अब फिर से अपन रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होते समय भी आप लोग हल्का फुल्का देख लीजिए सूर्य नारायण। मुझे लगता है हर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखला दिया। अब जाते जाते देख लो, आपको अच्छे से और नज़र आएंगे। और सिटी बनाते समय ना समझ भी नहीं आता कि क्या बोलूँ मैं तो दुकानदारी का नाम ही ले लेता हूँ मैं। ये पूरा मार्केट एरिया, और ये रोड थोड़ा सा व्यस्त रहता है। वैसे अंदर का मार्केट भी आप लोगों को मैंने अभी थोड़ा देर पहले दिखलाया है कि इस तरह से पूरे दुकान हैं हर तरह के। शंकर वस्त्रालय, लक्ष्मी वस्त्रालय, वाह देवांगन भाई। देवांगन का दुकान देखता हूँ तो हमें गर्व होता है, क्योंकि हम भी देवांगन। अरे कैसन चलात रहा बाड़ू, कसडोल यहाँ से 23 किलोमीटर है। यही वाली रूट लेके जाएगी अपने को रायपुर। तो बस गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो।